हेलो फ्रेंड्स, हेलो यूट्यूब। आज हम बनाएंगे दाल पलेदा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है और हम इसे बनाएंगे आज। ये बहुत सिंपल है, घर में से ही मिल जाते हैं इसके सारे इंग्रेडिएंट्स। इसके इंग्रेडिएंट्स हैं जीरा, राई, नींबू, धनिया, टमाटर, हरी मिर्च, प्याज, हल्दी, नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, चावल और तुअर की दाल और ऑयल और पानी। अब हम सबसे पहले एक कुकर लेंगे, उसके अंदर हमने दाल पहले से ही थोड़ी सी भिगा दी थी जब हम तैयारी शुरू कर रहे थे। हमने 3 कप तुअर की दाल ली है, उसके अंदर 1 कप हम पानी डालेंगे और उसके अंदर हम ये 1 कप पानी डाल चुके हैं। और फिर अब इसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट 1 चम्मच और आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, जैसा आपको तेज़ और फीका जैसा ठीक लगता हो। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्दी 1 छोटा चम्मच और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और फिर इसके बाद ये देखिए, हमने दाल को अच्छे से मिक्स कर दिया है, हल्दी और नमक को। अब हम इसके अंदर 2 से 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट या अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे इसके अंदर, ताकि इसका टेस्ट उसके अंदर उतर जाए, क्योंकि हम इसमें मिर्ची नहीं डाल रहे हैं तो ये थोड़ा अच्छा स्पाइसी सा हो जाएगा। अब हम इसमें 1 सीटी लगा लेंगे तेज़ आंच पर, हमें इसे ज़्यादा गलाना नहीं है, दाल को थोड़ा कड़क कड़क रखना है। अब हम चावल बॉईल करने के लिए एक तपेली में, एक बर्तन में पानी लेंगे 6 कप, क्योंकि हमने 6 कप चावल लिए हैं। उसके अंदर हम नमक डालेंगे और ये हम 5-6 बूंद ऑयल की बूंदी डाल देंगे पानी के अंदर, ताकि हमारे चावल खिले खिले पके। और हम इसके अंदर नींबू की भी 5-6 बूंदे डालेंगे, ताकि हमारे चावल सफ़ेद रहें। और हम इसमें चावल हरी मिर्च डाल देंगे थोड़ी सी, ताकि तीखापन आ जाए हमारे चावलों में। और हमने चावल इसमें बिरयानी के चावल यूज़ किए हैं। अब हमारी एक तरफ दाल हो रही है, एक तरफ चावल के लिए हमने पानी रख दिया है। अब एक तरफ हम जो तेल जमाएंगे उसके लिए हम एक तरफ से बारीक कटा हुआ प्याज जो हमने काटा था बिरस्ते की तरह, उसे हम फ्राई कर कर रख लेंगे साथ साथ में, ताकि ये हमारी तैयारी भी साथ में चलती रहे। ये देखिए, हमारी ऑनियन फ्राई हो चुकी हैं, बिरस्ता तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे ऑयल में से, और ये थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो तो ही निकाल लें, ताकि ठंडा होने पर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं तलना है, नहीं तो प्याज जल जाती है। ये देखिए, हमारी एक सीटी आ चुकी है दाल में, हमारी दाल भी गल चुकी है। अब हम इसे छन्नी में निथार लेंगे, एक तपेली नीचे रखेंगे और उसके ऊपर छन्नी रखकर निथारेंगे, ताकि जो हमारा सूप, दाल का जो सूप है वो एक्सट्रैक्ट हो जाए और हमारी दाल कोरी कोरी ऊपर ही रहे। अब ये देखिए, हमारा ऑयल भी एक तरफ जल, ऑयल गर्म हो रहा था, उसके अंदर हम कड़ी पत्ता फ्राई करेंगे। जिसके अंदर हमने प्याज फ्राई की थी उसी ऑयल में हम कड़ी पत्ता फ्राई करेंगे। और ये हमारा कड़ी पत्ता भी फ्राई हो चुका है, इसकी मीठी मीठी खुशबू बहुत अच्छी लगती है और ये हर चीज़ में डालना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे तीखेपन के लिए, ताकि हमारे जो दाल पलीदे की तेज जमाएंगे उसमें हम, उसमें मिर्ची की खुशबू भी आए। अब हम इसके बाद लास्ट में टमाटर फ्राई करेंगे। लास्ट में टमाटर इसलिए फ्राई करते हैं ताकि ये पानी छोड़ देता तो ऑयल में उसके बाद कुछ तल नहीं सकते हैं, कुछ फ्राई नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने सबसे लास्ट में टमाटर फ्राई किए हैं। ये देखिए, हमारे टमाटर भी लगभग फ्राई होने आए हैं और अब ये फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, हमारे पानी में भी खत्म किया चुकी है और हमने ऐसे ही चावल भी बॉईल कर लिए हैं, जैसे हम बिरयानी के चावल बॉईल करते हैं ऐसे ही। अब ये देखिए, हमने तेह जमाएंगे हम दाल पलीदे की। पहले तपेली के अंदर सबसे पहले ऑयल ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ। अब इसके अंदर हम चावल डालेंगे, जो कि हमारे चावल हमने बॉईल करके रखे हैं, बिरयानी के चावल। ये देखिए, अब हम इसको चारों तरफ एक जैसा, बिल्कुल एक बराबर, और लास्ट की लेयर सबसे थोड़ी मोटी रखते हैं, ताकि नीचे से जो भाप लगती है, हीट लगती है और सब अर्क नीचे उतरता है, इसलिए नीचे की तेह थोड़ी मोटी रखेंगे हम। यह हमने सब तरफ बराबर से चावल फैला दिए हैं चम्मच की हेल्प से। अब इसके ऊपर हम हमारी जो दाल, अरहर की दाल कह सकते हैं आप या तुअर की दाल, उसे हम फैला देंगे और उसके दाने खिले खिले ही रहने देना है,
ताकि हमें इस चीज़ का एहसास हो कि हाँ हम दाल पलीदा खा रहे हैं, ऐसा ना लगे कि हम दाल चावल खा रहे हैं। ये देखिए हमने चारों तरफ दाल फैला दी है। अब इसके ऊपर हमने जो फ्राई करके ऑनियन ऑनियन और प्याज मतलब प्याज, हरी मिर्च और कड़ी पत्ता और टमाटर जो हमने रखे थे उसे हम फैलाएंगे। ये देखिए सबसे पहले हमने हरी मिर्च से शुरू किया है, अब ये हमने प्याज डाल दिया है इसके ऊपर। अब हम डालेंगे इसके ऊपर कड़ी पत्ता, सबकी खुशबू बराबर आना चाहिए, सबकी खुशबू उतरना चाहिए क्योंकि हमारे दाल चावल बिल्कुल फीके हैं इसलिए। अभी हमने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है, अब हम इसकी और टमाटर भी डाल देंगे। अब हम इसके ऊपर फिर से चावल की ही तह जमाएंगे। ये देखिए हाँ ते तैयार है, और हमें तेज जमाते टाइम नीचे गैस ऑन कर लेना है, तपेल जिस भी बर्तन के नीचे आप जिस भी बर्तन में आप तेज जमा रहे हैं, हम तपेली में जमा रहे हैं तो तपेली के नीचे गैस चालू ऑन रखना है। और हमने हरा धनिया भी डाल दिया, इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। देखिए मुझे तो इस थोड़ा सा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है इसलिए मैंने थोड़ा सा गरम मसाला जो घर का पिसा हुआ है वो भी थोड़ा सा स्प्रिंकल किया है। और अगर आपको गरम मसाला तेज़ लगता है तो आप ना डालें, और अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो आप ज़रूर डालें, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये हमने नींबू का जूस भी निकाल के रखा था, तो 1 चम्मच स्पून हम एक लेयर के साथ वो भी डाल देंगे। और ये हमने जो फ्राई किया था ऑयल में सब चीज़ें जो फ्राई की थी, ये ऑयल भी हम 1 1 चम्मच साथ में डालते जाएंगे चारों तरफ, ताकि वो सब चीज़ों सब लेयरों पे बराबर सा लगे। ये देखिए हमारी सब लेयरें तैयार हैं। अब हम इसको कवर करेंगे एक पेपर फोल्ड करके, उसके ऊपर ढक्कन रखेंगे और फिर इसके ऊपर वज़न रख देंगे। कम से कम इसको 10 मिनट तक मीडियम आंच पर पकने देंगे ताकि इसका जो वो है ये अच्छे से बफ जाए। आइए जो अब थोड़ी बहुत दाल बचाई थी, जो अरहर की दाल हमने उबाली थी या तुअर की दाल कहेंगे, उसको हम अब बघार लगाते हैं। ये देखिए हम जीरा राई और लहसुन, हम जीरा फ्राई हो रहा है, अब हम इसमें राई डाल रहे हैं। अब इसके बाद हम इसमें लहसुन डालेंगे, ये लहसुन डाल दिया हमने, इसको गोल्डन होने तक गोल्डन होने देंगे। जो हमने दाल निथारी थी उसका जो पानी था वो, और हमने थोड़ी सी दाल बचा ली थी बॉईल करी हुई, ताकि हम उसका पलीदा बना सकें, ये दाल का सूप बना सकें। ये देखिए हमारा लहसुन भी तैयार हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन होने आया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च डालेंगे तेज़ी के लिए। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा हरी मिर्च यूज़ कीजिए, नहीं तो आप एक हरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 3 हरी मिर्च काट के डाली है, और ये हमने कड़ी पत्ता भी डाल दिया है। अब हम इसके अंदर ये देखिए दाल, ये दाल डाल देंगे तुअर की जो हमने बॉईल की थी इस मसाले के अंदर। और अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे, 1 कप या 1.5 कप। देखिए हमारी दाल ज़्यादा थी इसलिए हमने कम से कम इसके अंदर 1.5 कप पानी डाला है। आप चाहें आपकी दाल, अगर आपके पास पानी का सूप ज़्यादा हो तो आप उसके अंदर कम पानी डालिए। ये अब हमने नींबू का जूस डाल दिया है उसके अंदर कम से कम 2 टीस्पून। इसको हम दाल पलीदे को हम खट्टा मीठा बनाएंगे। अगर आपको खट्टा मीठा पसंद नहीं है तो सिर्फ आप लेमन ही डालिए, शक्कर मत डालिएगा। अब हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे और इसको बॉईल कर लेंगे पलीदे को, ताकि इसके अंदर शक्कर घुल के अच्छे से मिक्स हो जाए और ये पानी भी मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा जो दाल पलीदे का पुलाव है वो बिल्कुल तैयार है, भाप निकल रही है, अब इसे हम प्लेट में सर्व करेंगे। ये हमारा दाल पलीदा बिल्कुल तैयार है, प्लेट में सर्व हो चुका है खाने के लिए। ये देखिए हमारी दाल अलग ही नज़र आ रही है, चावल से बिल्कुल अलग। इसको कहते हैं दाल पलीदा या दालिया पुलाव, आप जो चाहें वो कह सकते हैं, पर दाल पलीदा इसका फेमस नेम है। और ये सूप के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है, और कलर्ड दाल दाल पलीदा बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए इसमें रेड ग्रीन येलो सब कैसे कलर नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर, जो हमने अलग से फ्राई करके चीज़ें डाली थी वो इस तरह से बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ और अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। थैंक यू।